मंदिर निमंत्रण मिला है, निमंत्रण मिलने के बाद भी राम को नहीं मान रहे हैं, नहीं आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान जाना चाहिए। दूर दूर से राम भक्त आए थे, उन पर गोलियां चलवाकर ये कहा कि अच्छी है और न्याय की बात है। न्याय की बात है। धनुष्मन किसानम ज्ञानिनम गणम सकल गुणिंदनम वरुणम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। महाराज जी हैं जो सोशल मीडिया पर जिनकी चर्चा है, चर्चा इसलिए है कि ये कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो महाराज क्या माना जाए कि बहुत सारे लोग आ नहीं रहे हैं, न्योता मिलता है फिर भी क्या कहेंगे उनको? उनका दुर्भाग्य है, वो अभी सो रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि बताइए हम अपने प्रभु का दर्शन करने जाना है। हाँ। इसमें किसी को बुलाना आया या ना आए, खुद पहुंचना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। भगवान राम के मंदिर में आने के लिए न्योता मांग रहे हैं? नहीं नहीं, ये गलत बात है। यहाँ एक से एक सेलिब्रिटी आ रहे हैं, अपने मतलब खुद से आ रहे हैं, और एक से एक साधु महात्मा बड़े बड़े दूर से आ रहे हैं, बड़े देश विदेश से आदमी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और जो यही के होकर ना आना चाहें, ये उनके लिए बहुत निंदनीय और बहुत सोचने की बात है। अच्छा महाराज जी, आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान, किसको किसको पाकिस्तान आप भेज रहे हैं? जो जो राम मंदिर निमंत्रण मिला है, निमंत्रण मिलने के बाद भी राम को नहीं मान रहे हैं, नहीं आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान जाना चाहिए उनको, वो चले जाएं। अच्छा आप हिंदू राष्ट्र भारत को क्यों बनाना चाहते हैं? क्या अभी जनता खुशहाल नहीं है? भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। वो इसीलिए निरपेक्ष देश है, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यहाँ हिंदू है। हिंदू हूँ जी। महाराज ये कहा जा रहा है कि आप एक हिंदू गांव नहीं बना पा रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र को कैसे बनाएंगे? कह रहे हैं कि आप अपने ही जाति धर्म में, अपने ही अलग अलग जातियों में बांट दिए हैं। नहीं, कहना पांचों उंगली बराबर नहीं है, लेकिन जब सब लोग साथ में मिलकर राम जी का दर्शन करेंगे, जयकारा लगाएंगे और चाहेंगे सभी लोग मिलकर, तब हिंदू राष्ट्र हो सकता है जी। अच्छा जो शंकराचार्य जी का भी बयान आया था कि वो भी नहीं आ रहे हैं, वो भी तो हिंदू हैं, वो तो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म की रक्षा करता हूँ, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हिंदू रक्षा ऐसे होती है कि राम के बारे में भड़काना। राम जी का दर्शन करने आपको आना चाहिए, चाहे बनाओ चाहे मूर्ति है, प्रतिष्ठा हुआ है, उद्घाटन है, इतने लोग आ रहे हैं, सब मूर्ख नहीं है जी। कह रहे हैं कि बीजेपी इसे एक इवेंट की तरह बनाना चाहती है, कांग्रेस भी यही कह रही है, और बाकी लोग जो विरोध कर रहे हैं कह रहे हैं कि अधूरा है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। अधूरा नहीं है, उनको तो भगवान जब सपने में दर्शन दे देते हैं तो यहाँ क्यों आएंगे वो? वो तो सोच के, मतलब उनको ये पता है कि एकदम राम है नहीं, लेकिन हम ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू दुनिया, यहाँ सबको पता है राम कणकण में विराजमान है, राम कणकण में विराजमान है। अच्छा महाराज जी, आप जो पढ़ाई करते हैं, मैं चाहूँ दो चार श्लोक हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। अतुलित वल्लभम हैल सेलावरेयम धनुजमन किसानम ज्ञानिनम गणम सकल गुणिंदनम वरुणम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अच्छा आप राहुल गांधी को क्या बोले थे जो बड़ी चर्चा? राहुल जी को हम कुछ नहीं बोले थे, राहुल जी को यही कहना है कि आप आइए, दर्शन करिए हनुमान जी का, रामलला का, और मस्तक टेकिए, आपका जो बिगड़ा है बन जाएगा। वो आएंगे तो इसके लिए कहने की तो हमें नहीं लगता किसी को जरूरत होनी चाहिए, उनकी मर्जी होगी तो आएंगे। वही तो आप सब लोग पूछना भी नहीं चाहिए ना, वो आए या ना आए वो उनकी मर्जी है। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि आए कि ना आए, तो हम तो यही कहेंगे राम जी का दर्शन करने के लिए। अखिलेश जी पिताजी ने कहा जाता है को कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, क्या कहेंगे? तो इसीलिए तो नहीं आना चाहते हैं, गोलियां चलवाई थी, बताओ इतने दूर दूर से राम भक्त आए थे, उन पर गोलियां चलवाकर ये कहा कि अच्छी है और अन्याय की बात है। अन्याय की बात है जी। जो कांग्रेस कहती है कि हमने रामलला का हमने ही ताला तो खुलवाया था, तो ताला खुलवाए थे तो दर्शन करने क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर वो मानते थे उस समय तो आज वो क्यों नहीं मान रहे हैं? ये उनकी सोच गलत है, बस इसके बारे में और कुछ नहीं। क्या बात है। अभी हमारे साथ सूरदास महाराज जी थे जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।